राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें सम्मानित किया। बोकारो के NIC बिल्डिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रपति ने शिक्षिका से बात और उनके काम को सराहा और उन्हें सम्मानित किया गया। इनोवेटिव आइडिया से बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया। झारखंड के कुछ ही शिक्षक को यह सम्मान मिला, जिनमें से बोकारो के शिक्षिका निरुपमा को ये सम्मान दिया गया। शिक्षिका निरुपमा बोकारो के चास स्थित राम रुद्रा स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हैं। इस स्कूल में 10+2 तक की पढ़ाई होती है, जहां की एजुकेशन व्यवस्था निरुपमा बच्चों को खेल खेल में सारे पाठ को याद कराती है। इंटरनेट और वीडियो के जरिए नए नए आइडिया ढूंढकर बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाए हुए, जिसको लेकर उन्हें शाम आज 5 सितंबर को यह सम्मानित दिया गया। इस सम्मान को पाने के बाद शिक्षिका निरुपमा भी फूले नहीं समा रही है। उनका कहना है कि सम्मान पाना बहुत बड़ी बात है, इससे काम करने में और ऊर्जा का संचार होगा और यह प्रेरणा भी देने का काम करेगा। वाकई इतना बड़ा सम्मान किसी भी शिक्षिका के लिए बहुत बड़ी बात है और उसे आगे भी काम करने का हौसला मिलेगा। आइए सुनते हैं निरुपमा शिक्षिका शिक्षा पर अधिकारी। निरुपमा जी को नेशनल अवार्ड्स मिला है, तो इसमें जिला के सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा की चीज हुई है और काफ़ी हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये छन जिला को इनकी बदौलत मिला है। और मेरा यही होगा कि जो चीज़ें इनके द्वारा की जा रही है बेहतर शिक्षा के लिए, वो निरंतर जारी रहे और हमारा भी प्रयास रहेगा कि इनको जो जो सुविधाएं विभाग से या कार्यालय से चाहिए होगा, हम लोग उसको उपलब्ध कराने के दिशा में प्रयासरत रहेंगे, ताकि ये जो आगे भविष्य में और कुछ देना चाहती हैं।